तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक ऐप के बारे में जिस ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हो और रजिस्टर करते हो तो आपको इंस्टेंटली 50 रुपीज मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आप उस ऐप पे फ्री में गेम खेलते हो तो आपको हर बार कुछ ना कुछ पैसे मिलेगा और आप उस पैसे को डायरेक्टली आप गेम पे टॉप अप कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप अपने पेटीएम पे भी उस पैसे को विड्रॉल कर सकते हो। अगर आपको जानना है तो आप मेरी वीडियो पे बने रहिए, मैं आपको दिखाऊंगा उस ऐप को डाउनलोड कैसे करना है, उस ऐप को रजिस्टर कैसे करना है और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा उस ऐप से अर्निंग कैसे करना है। तो आप वीडियो पे बने रहिए और चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम इस तरह का वीडियो लाते रहते हैं। तो पहले आपको मेरी डिस्क्रिप्शन ओपन करना पड़ेगा। तो आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे तो आपको इस तरह का कुछ एक लिंक दिखेगा, तो आप लिंक पे क्लिक करना तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर में चले जाओगे। जैसे ही आप प्ले स्टोर में जाओगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद इस ऐप को जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे अपना नंबर डाल देना। जैसे ही आप नंबर डालोगे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल पे एक OTP आएगा जो डायरेक्टली फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपने हिसाब से एक पासवर्ड डाल देना। तो आप अपने हिसाब से एक पासवर्ड डालोगे पर उस पासवर्ड पे एक अल्फाबेट और एक नंबर होना जरूरी है। तो जैसे ही आप यहाँ पे पासवर्ड डालोगे तो उसके बाद आप धानी ऐप का मेन इंटरफेस पे चले आओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने 0 रुपीज शो करेगा। तो अगर आपको साइन अप का 50 रुपीज चाहिए तो मैं जो स्टेप आपको दिखा रहा हूँ वो स्टेप फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक प्रोमो कोड अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप सामने देख सकते हो ये है वो प्रोमो कोड। तो ये दोनों प्रोमो कोड में से कोई भी एक प्रोमो कोड यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना। तो वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पे गेट फ्री कार्ड पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आप आधार कार्ड का नंबर डाल देना। उसके बाद उसके नीचे आप एक कैप्चा डाल देना, आपके सामने जो टेक्स्ट शो करेगा वो डाल देना। उसके बाद यहाँ पे आपका आधार कार्ड जिस भी नंबर से लिंक है वो नंबर पे एक OTP जाएगा, वहाँ पे वो OTP डाल देना। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ ईयर डाल देना। डेट ऑफ ईयर यानी आपका डेट ऑफ बर्थ का साल यहाँ पे डाल देना। तो डेट ऑफ बर्थ का साल यहाँ पे डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे आप मिस्टर या मिसेस वो सिलेक्ट कर लेना। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल देना। तो ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे मंथली इनकम और पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देना। तो डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना सेल्फी डाल देना। तो डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कॉन्ग्रेचुलेशंस आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्टिव ओनली फ्री कार्ड पे क्लिक करना। तो एक्टिव फ्री कार्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एक्टिव ए न्यू डिजिटल कार्ड पे क्लिक करना। तो जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आप 4 डिजिट का एक पिन सेट कर देना। उसके बाद वही पिन फिर से यहाँ पे कंफर्म कर देना। तो जैसे ही आप कंफर्म करोगे तो आपके सामने OTP आएगा और वो OTP डायरेक्टली फिल हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गॉट इट पे क्लिक करना। तो जैसे ही आप गॉट इट पे क्लिक करोगे आपके कार्ड एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे ही आपका कार्ड एक्टिव हो जाएगा आपका साइन अप का 50 रुपीज मिल जाएगा। तो मैं मेरा साइन अप का 50 रुपीज ऑलरेडी विड्रॉल कर चुका हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा विड्रॉल प्रूफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा मेरा विड्रॉल प्रूफ। तो आप भी साइन अप का 50 रुपीज यहाँ से विड्रॉल कर सकते हो डायरेक्टली, या आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली गेम पे डायमंड भी टॉप अप कर सकते हो। तो कैसे डायमंड टॉप अप करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले आपको गेम को ओपन करना है। तो गेम ओपन करने के बाद आप टॉप अप वाले सेक्शन पे जाइए। तो जैसे ही आप टॉप अप वाले सेक्शन पे जाओगे आप कितने रुपीज का टॉप अप करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो वो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप डेबिट कार्ड का नंबर दे देना और डेबिट कार्ड का नंबर आपको कैसे मिलेगा आप धनी ऐप को ओपन करना और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका डेबिट कार्ड का नंबर यहाँ पे शो करेगा। ये नंबर आप वहाँ पे डाल देना। तो नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको CPV नंबर डालना है। तो CPV नंबर आपको कैसे मिलेगा आपको फिर से धनी ऐप पे जाना है और धनी ऐप पे जाने के बाद यहाँ पे आप कार्ड पे देख सकते हो यह है आपका CPV नंबर। तो ये CPV नंबर आप वहाँ पे डाल देना। उसके बाद आपका पर्चेस सक्सेसफुल हो जाएगा। Rich.
तो अभी मैं बता देता हूँ, अगर आप पेटीएम पे या बैंक पे पैसा लेना चाहते हो तो आप कैसे ले सकते हो। तो पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछेगा आपको बैंक ऐड करने को, तो यहाँ पे आप अपना बैंक ऐड कर लेना। मेरा बैंक ऑलरेडी ऐड है। तो आप बैंक ऐड करने के बाद आपके सामने भी इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो बैंक ऐड करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करना, और यहाँ पे क्लिक करके आप अपने बैंक पे पैसा विड्रॉल कर सकते हो। तो अभी मैं दिखा देता हूँ कि आप गेम खेल के कैसे पैसे अर्न कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे गेम आ जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी एक गेम खेल सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एक फ्री वाला स्पिन करके दिखा देता हूँ। तो मैं आपके सामने एक स्पिन किया और आप सामने देख सकते हो, मैं आपके सामने ही 8 रुपीज अर्न कर गया। तो आप भी यहाँ पे गेम खेल के पैसे अर्न कर सकते हो, और उस पैसे को आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर कर सकते हो, या आप चाहो तो डायरेक्टली आप डायमंड भी खरीद सकते हो। तो आप इस ऐप को जरूर से एक बार यूज करना, और अगर आप और भी ज़्यादा डायमंड चाहते हो फ्री में, तो आप मेरी ये दोनों वीडियो देख सकते हो।